हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पागी और मैं हूं आपका होस्ट और मित्र भवानी सिंह। और मित्रों, मैं हूं आज जयपुर में बड़ी चौपड़ के पास में, जो हवा महल के पीछे की साइड का गेट है उस साइड में हूं और अभी बाज़ार में हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, तो मेरे सामने है जो कली करने वाले। और मित्रों, मुझे आज भी याद है, मेरे बचपन में देखा था मैंने, गाँव में ऐसे कली करने वाले लोग आते थे और गांव में कोई अच्छी जगह देख के वो अपने कोयले और ऐसे ये जो पंखा है या दोकनी है जो कोयला जलाने वाली, वो फैला के बैठ जाते थे और गांव में घूम घूम के बर्तन इकट्ठा करते थे और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी लगाते थे कि बर्तनों के कलई करवा लो, पीतल और तांबे के बर्तनों के। तो आजकल क्या है कि काफ़ी दुर्लभ हो गया है और ये कला धीरे धीरे लुप्त भी होती जा रही है। तो मित्रों, क्या है कि जैसे ही स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रचलन बढ़ा तो ये पीतल तांबे के बर्तन कम हो गए। लेकिन फिर भी आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए ये बर्तन बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। उसी वजह से धीरे धीरे लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। और मित्रों, ये जो कली पीतल और तांबे के बर्तनों के है, वो एक्चुअली एक प्रकार की मेटल कोटिंग कह सकते हैं, जो बड़ी सिंपल है लेकिन ये भी एक अपने आप में अच्छी कला है। तो मित्रों, सामने देखो कि कस्टमर कुछ आ रहे हैं। जैसे सामने ये लेडी आई है एक पानी का जो जग लेके, तो वो एक्चुअली आजकल नए प्रकार के जग है, तो जो लोग पीतल या सॉरी तांबे के बर्तनों में पानी पीना पसंद करते हैं तो कलई भी करवाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जैसे तांबे में क्या होता है कि जंग लगता है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है यानी ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन के साथ में तांबे की, तो एक हरे रंग का ये जंग लगता है तांबे में। तो फिर कलई कराने से क्या कि वो समस्या दूर हो जाती है। और जो खाने पकाने के बर्तन हैं जो मित्रों, उसमें क्या है कि जैसे कोई खट्टा पदार्थ डालते हैं तो फिर उसमें वो अलग अलग प्रकार के एसिड्स बनते हैं और वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते। उसी वजह से ये ये टीन की कोटिंग की जाती है यानी कली की जाती है, तो उससे क्या है कि वो दिक्कत नहीं आती है। और इसमें मित्रों, मैंने इनसे पूछा है तो इनके पास एक वो छोटी सी छड़ है यानी ये स्ट्रिप है टिन की, जिसको टिन एक धातु है जो हिंदी में उसको रांगा कहते हैं, तो ये रांगे की छड़ है इनके पास। और तो ये सबसे पहले क्या आते हैं, बर्तन कोई लेके आते हैं कस्टमर, तो देखते हैं कि बर्तन कितना गंदा है साफ है। तो अगर ज़्यादा गंदा नहीं है तो सिर्फ ये कास्टिक सोडा और पानी से हल्का सा साफ कर देते हैं, और ज़्यादा गंदा है तो फिर एसिड डाल के तुरंत साफ कर देते हैं। लंबे समय तक एसिड नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें क्या निशान या धब्बे बन जाते हैं। वो सेम वही एसिड काम में लेते हैं जो सुनार की दुकान पे सुनार काम में लेते हैं। तो ये फिर उस बर्तन को कोयले पे गर्म करते हैं और कुछ ही मिनटों में ये बर्तन एकदम लाल गर्म हो जाता है, और उसके बाद में उसमें ये जो टिन की छड़ है वो उस पर थोड़ी सी लगाते हैं, अंदर की साइड में पिघलता है टिन, और फिर उसके बाद में इसमें जो ये नौसादर का चूर्ण वाइट पाउडर होता है इनके पास में, तो ये डालते हैं, एकदम धुआं निकलता है और उसी तेज़ी से फिर वो टिन भी साथ में पिघलता है, और फिर कॉटन के कपड़े की मदद या रुई से ये पटाख उसमें घुमाते हैं और एकदम फिनिशिंग चारों तरफ अच्छी तरह से उसको फिनिश कर देते हैं और एकदम जैसे चांदी की तरह चमकने में दिखता है। एक्चुअली एक मित्रों, अगर साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो एक गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया है जो कलर कोटिंग होती है, और ये अंदर और बाहर दोनों साइड की जा सकती है। मोस्टली जो खाने पकाने के बर्तन है वो अंदर की साइड ही कलई करवाते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं देखा हो जो सजाने के जैसे फूलदान वगैरह होते हैं होटल्स में, तो उनके वहाँ आप देखेंगे बाहर की साइड में भी इनकी फिनिशिंग के लिए कलई की जाती है, एकदम नए की तरह बर्तन दिखते हैं। और दूसरा जो खाने पकाने में है, तो उसमें क्या है कि वो खटाई के साथ में जो एक केमिकल रिएक्शन होता है वो नहीं होके जो खाना है वो अच्छा बने, तो उस वजह से ये कलई करवाते हैं। और मुझे आज भी याद है कि हर महीने लगभग गांव में ऐसे कलई वाले या कलई घर बोलते हैं इनको, और अंग्रेजी में कहूँ तो इनको वाइट स्मिथ कहते हैं और टिंकर भी बोलते हैं इनके लिए, क्योंकि एक प्रक्रिया इसको प्रक्रिया टिनिंग भी कहते हैं। तो ये लोग आते थे और अपना काम बड़ी बखूबी से करते थे। आज मुझे जयपुर में बाज़ार में घूमते हुए ये
जो बुढ़े अंकल है ये नज़र आए, तो इनसे मैंने बातचीत भी की, तो बता रहे हैं कि अब पहले जितना तो काम नहीं है, लेकिन फिर भी शहर की वजह से थोड़ा अच्छा खासा चल जाता है। तो बिल्कुल एक सिंपल छोटी सी जगह, 3-4 फीट की जगह इनको ज़रूरत होती है, और आराम से स्ट्रीट साइड में बैठ जाते हैं, और ये हमेशा यहीं काफ़ी सालों से यहीं काम करते, दुकान के सामने जो गुलाबी नगर जयपुर में मार्केट है यहीं पे बैठते हैं, ताकि लोगों को पता है कि यहाँ पे आके वो अपना जो है बर्तनों के कलई करवा सकते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।